मेष बजटीय खर्चा कुछ कम हो सकता है, धन लाभ के योग है। कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं, जिनमें आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आप जो भी करें सकारात्मक होकर करें। किसी भी तरह का फैसला करने के पहले अच्छी तरह विचार करें। किसी जानकार व्यक्ति से सलाह करें। समय लगता हो तो लगने दें। कोई व्यक्ति या संस्था आपसे मदद ले सकती है। ऑफिस में अधिकारियों से भी आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। सुख सुविधा की कोई वस्तु खरीदने का विचार हो सकता है। अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। नेगेटिव गुस्से पर कंट्रोल रखें और मुंह ना खोलें तो ही अच्छा है। किसी की मदद करने में संकोच ना करें। खुद पर भी संदेह हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। संतान के मामलों में परेशानी हो सकते हैं। जो खाना चाहेंगे वह बात मन में ही रह जाएगी। सच झूठ का फैसला करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। क्या करें, मिट्टी के बर्तन का पानी पिए। लव जीवन साथी की सेहत की चिंता रहेगी। पार्टनर चिड़चिड़ा हो सकता है। करियर बिजनेस में सफलता मिल सकती है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। नए लोगों से मिलेंगे और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हेल्थ रक्त संबंधी विकार होने की संभावना बन रही है। नस या मसल्स में खिंचाव हो सकता है। वृषभ आत्मविश्वास और उम्मीदों वाला दिन है। कुछ नए और अजीब अनुभव हो सकते हैं। जीवन के हर संभव क्षेत्र में बड़ा सपना देखें और खुद पर भरोसा रखें। बातचीत और भाषण में आप लोगों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं। रोमांस के मामले में भी दिन अच्छा हो सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कामकाज के बजाय काम के तरीकों पर खास ध्यान देना जरूरी है। पैसों से जुड़े महत्वपूर्ण काम आज निपट सकते हैं। नेगेटिव अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में कोई अशुभ घटना होने के इशारे मिल सकते हैं। कुछ चीजों की शुरुआत नए सिरे से करनी पड़ सकती है। कुछ काम गलत दिशा में शुरू हो सकते हैं, जिन्हें फिर से करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों के सामने नई चुनौतियां आ सकती हैं। क्या करें, भोजन में एक्स्ट्रा नमक ना खाएं। हो सके तो दिन में वन टाइम बिना नमक का खाना खाएं। लव जीवन साथी को तरक्की मिल सकती है। प्रेम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा हो सकता है। करियर कारोबार संबंधी नए फैसले लेने से बचें। प्रोफेशनल लाइफ में संभल कर रहे। दुश्मनों से सावधान रहे। कुछ स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ सकती है। हेल्थ, पेट दर्द हो सकता है। भोजन सावधानी से करें। मिथुन पॉजिटिव धार्मिक यात्राओं के योग है। किसी खास काम को लेकर कोई शानदार योजना भी बन सकती है। उस पर काम भी शुरू हो सकता है। आपकी योजना के अनुसार काम हो सकते हैं। जो काम आपको पहले ही कर लेने चाहिए थे, हो सकता है उसमें से कोई आज बाकी हो। किसी से कुछ सीखना पड़े तो संकोच ना करें। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। घर या घर से जुड़े कामों में परिवार की मदद कर सकते हैं। घर बदलने या घर में कोई बदलाव करने का कार्यक्रम है तो उसके लिए दिन अच्छा हो सकता है। रोमांस भी संभव है। पुराने दोस्त आपका उत्साह बढ़ा सकते हैं। आज आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। नेगेटिव खर्चों पर नियंत्रण रखें। माता पिता और जीवन साथी पर गुस्सा निकालने से पारिवारिक परेशानियां आ सकती हैं। जोश में आकर बिना मांगी सलाह देने से आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। दुश्मनों से सावधान रहे। आज थोड़ी सी लापरवाही भी आपको परेशान कर सकती है। क्या ना करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पैर करके ना बैठे ना सोए। लव पार्टनर बिना कहे आपके दिल की बात समझ सकता है। प्यार भी बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। करियर बिजनेस में अच्छी ग्राहकी होने के योग है। कार्यस्थल पर सुखद वातावरण बनेगा। मेहनत से सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, एसिडिटी और पेट दर्द हो सकता है। कम भोजन करें।
कर ताज एटिन जेब में ज्यादा पैसे ना होने पर भी आपके काम पूरे हो सकते हैं। आज आपका कोई काम रुकेगा नहीं, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, मेहनत का फल भी मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की कोशिशों में आज आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप सफल भी हो जाएंगे। किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है, मकान दुकान पर धन लाभ के योग बन रहे हैं। हर काम दिल खोल कर करें, नए अंदाज से करें तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। कोई भी काम शांति से करें, नेगेटिव जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। पूरा दिन कामकाज में ही निकले की संभावना है, दिन भर कामकाज में बिजी हो सकते हैं, आज आप परेशान भी हो सकते हैं। सेहत के मामले में भी आपको सावधान रहना होगा, दिन थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या करें, धुले हुए साफ कपड़े अपने लव परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ने की संभावना है। आपके व्यवहार से पार्टनर का मिजाज भी बदल सकता है, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आने की भी संभावना बन रही है। करियर बिजनेस में फायदेमंद सौदा हो सकता है, नौकरी में पदोन्नति के मौके मिल सकते हैं, कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं, सफलता मिल सकती है। हेल्थ, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक शांति मिल सकती है। सिंह, पॉजिटिव रूटीन में अच्छा खासा बदलाव हो सकता है, आप खुश रहेंगे और खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर सकते हैं। करियर में कुछ नए मौके आपको जल्दी ही मिल सकते हैं, नौकरी बदलते हैं तो यह आपके ही फेवर में साबित होगा। बिजनेस करते हैं तो कोई अच्छा सौदा आपको मिल सकता है, छोटे पैमाने पर नया काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है। लव लाइफ में चल रहे पुराने टेंशन खत्म होने के योग बन है, वर्क प्लेस पर माहौल सुधरेगा, खर्चे पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा, भावनात्मक तौर पर महसूस होती कमजोरी खत्म हो सकती है। नेगेटिव, मौज मस्ती और मनोरंजन में ज्यादा खर्चा हो सकता है, सावधानी ना रखी तो नुकसान हो सकता है। प्रेमी या लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए भी आपको कई तरह के जतन करने पड़ सकते हैं, कुछ मामलों को लेकर बेचैनी महसूस हो सकती है। कोई काम दूसरों के भरोसे ना छोड़े, आज के जरूरी काम कल पर टालने से बचे। क्या करें, किसी से पैसा उधार ना ले, लव प्रेम संबंधों में सफलता मिलने की संभावना है। प्यार के इजहार के लिए भी दिन अच्छा रहेगा, आपको पार्टनर से अपनी भावनाएं शेयर करनी चाहिए। करियर कारोबार में फायदा हो सकता है, नए सौदे होने के योग बन रहे हैं, साथ ही खर्चा भी बढ़ सकता है, स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, नींद की कमी और थकान महसूस होगी, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। कन्या, पॉजिटिव, आज आप संतुलन से अच्छे काम करते रहे, हर संभव तरीके से अपने दायरे और ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और सफल भी हो सकते हैं। कहीं से कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मंजूरी मिल सकती है, जो चल रहा है उसे होने दें, लेकिन आपको रक्षात्मक तरीका उपयोग करना चाहिए। सेहत में उतार चढ़ाव आने की संभावना है, विवादों से बचकर चले, आज आप कोई भी फैसला सोच समझ कर ले। साथ के ही कुछ लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं, लोगों की मदद से आपके ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, बिना सोचे समझे खर्चा ना करें तो ही अच्छा है, कुछ नया करने से भी बचे। कोई बड़ी योजना चल रही है तो उसे शुरू ना करें, चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के लिए ठीक नहीं है, आपके फायदे और सुख में कमी भी आ सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, डर और असुरक्षा की भावना भी आप पर हावी हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आप खुद को साबित करने में असफल भी हो सकते हैं, आपके खर्चे भी कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्या करें, पीपल के पेड़ के नीचे मिठाई रखें, लव पार्टनर के लिए परेशानियों वाला दिन हो सकता है, आपकी कोई इच्छा भी अधूरी हो सकती है, करियर बड़े लोगों से भी कांटेक्ट हो सकता है, छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, करियर में आगे बढ़ने के लिए बड़े लोगों से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। हेल्थ, सेहत के मामले में आपके लिए समय ठीक है, मानसिक शांति मिलेगी, पुरानी चोट या दर्द में भी आराम मिल सकता है।
तुला पांच यटिव आपके लिए दिन थोड़ा अच्छा रहेगा। अधिकारियों से भी सहयोग मिल सकता है। बड़े लोगों से जरूरी सलाह या जानकारी मिलने के योग बन रहे हैं। आज आपको धैर्य और एकाग्रता रखनी होगी। इससे आप कई कामों में सफल भी हो सकते हैं। दूसरों की मदद और दूसरों की खातिर कोई त्याग करने का कोई मौका ना चूके। छोटी छोटी बातें भी आज आप दिल पर ले सकते हैं। साथ काम करने वाले लोगों से भी आपको मदद मिल सकती है। नेगेटिव प्रेमी और जीवन साथी की इमेज का ध्यान रखें। आज वो लोग आप पर भारी रहेंगे जो आपसे दुश्मनी रखते हैं। कुछ लोग आपके विचारों या आपके काम पर सवाल भी उठा सकते हैं। आज ऐसे लोग सामने आ सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में कुछ रुकावटें भी आने के योग बन रहे हैं। आपके काम बनते बनते अचानक रुक भी सकते हैं। चोरी का डर भी बना रहेगा। क्या करें, मंदिर में घंटी, दीपक या भगवान की कोई तस्वीर दान दें। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। पार्टनर भावुक भी हो सकता है। करियर बिजनेस के बड़े फैसले सोच समझ कर लें। कार्यस्थल पर विवाद के योग बन रहे हैं। वाणी पर संयम रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी समय ठीक है। हेल्थ सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन दिन भर भाग दौड़ से थकान हो सकती है। वृश्चिक पॉजिटिव, किसी एक काम या प्रोजेक्ट पर जरूरत से ज्यादा जोर देंगे तो ही आपके काम पूरे हो पाएंगे। नए लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी कोशिशें शुरू कर दें। कोई बुजुर्ग या अधिकारी आपसे मदद मांग सकता है। हल करने और दूसरों की मदद करने में संकोच ना करें। आपका व्यवहार और स्वभाव कुछ लोगों को आकर्षित कर सकता है। कुछ पुराने दोस्त भी आपको मिल सकते हैं। नए लोगों से भी दोस्ती हो सकती है। नाश्ता करके या कुछ भी खाकर घर से निकलेंगे तो काम पूरे होंगे। घर से कुछ ना कुछ खा कर ही निकलें। नेगेटिव, हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाएं। किसी रिश्ते के मामले में कोई फैसला नहीं कर पाने से परेशान हो सकते हैं। कामकाज के मामले में व्यस्तता वाला दिन हो सकता है। दिन की शुरुआत जरूर थोड़ी सुस्ती से हो सकती है। कामकाज के लिहाज से व्यस्तता बढ़ सकती है। खुद को बढ़ा चढ़ाकर जताना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आज हर काम सावधानी से करें, वरना परेशानी भी बढ़ सकती है। थोड़ी बहुत रुकावटें भी आने की संभावना है। क्या करें, घर या ऑफिस में नमक के पानी से पोंछा लगावाएं। लव जीवन साथी से मदद नहीं मिल पाएगी। लव लाइफ में थोड़ी परेशानियां और टकराव की स्थिति बन सकती है। करियर बिजनेस में नए सौदे मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस बढ़ाने की प्लानिंग हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, सिर के रोग हो सकते हैं, सावधान रहे। आधा सिर दर्द भी हो सकता है। धनु पॉजिटिव, नए लोगों से मुलाकात और बातचीत होने के योग बन रहे हैं। आप थोड़े बातूनी और हाजिर जवाब भी हो सकते हैं। आपकी बातों से कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं। आप आसानी से लोगों को अपनी राय से सहमत करवा सकते हैं। कुछ नए मौके भी आपको मिल सकते हैं। आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। लोगों की निगाहें आप पर हो सकती है। किसी भी मामले में ज्यादा जिद ना करें। अपने दायरे के लोगों में आपका सम्मान बढ़ सकता है। मेहनत का फल भी आपको मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने के कुछ बहुत अच्छे मौके मिलने के योग हैं। पैसों में मामलों में व्यावहारिक रहे। चंद्रमा की अच्छी स्थिति से आपकी प्लानिंग सफल होने के चांस बन रहे हैं। बिजनेस में फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। नेगेटिव, पैसों का कोई मामला उलझ भी सकता है। उसको सुलझाने में आपको काफी समय भी लग सकता है। काम ज्यादा होने के कारण आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। वाहन का उपयोग सावधानी से करें। क्या करें, मंदिर, गुरुद्वारा जैसी जगहों पर कोई धर्म ग्रंथ या कपड़े दान दें। लव, किसी को प्रेम प्रस्ताव देना चाहते हैं तो भेज दें। सफलता मिल सकती है। किसी अपोजिट जेंडर से मन की बातें शेयर कर सकते हैं। करियर बिजनेस संबंधी कानूनी विवादों का निपटारा हो सकता है। आपके लिए बिजनेस भी फायदेमंद हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। कोई बड़ा रोग हो सकता है। परहेज के मामले में भी सावधानी रखें। मकर पॉजिटिव, नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के नए मौके आपको मिल सकते हैं। उनसे जुड़ने और उनको समझने में जरा भी संकोच ना करें।
संचार से जुड़ा कोई उपकरण, रिश्तेदार या किसी नई तकनीक से फायदे की योजना बन सकती है। रोमांस के लिहाज से दिन अच्छा है। माता या माता के समान किसी स्त्री का सहयोग मिल सकता है। आसपास और साथ के लोगों में आपकी अच्छी इमेज भी बन सकती है। लोगों की मदद मिल सकती है, क्या ना करे, किसी का जूठा ना खाए। नेगेटिव खर्च से लेकर मनोरंजन तक किसी चीज में अति ना करें। मन में अजब सी हलचल महसूस हो सकती है। कोई अनजाना डर भी आपको परेशान कर सकता है। खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। आपके कामों में अचानक रुकावटें आ सकती है। रूटीन से हटकर कुछ नया करने का भी मन बनाएंगे तो सावधान रहना चाहिए। कुछ नया ना करें तो ही अच्छा है। पार्टनरशिप के कामों में कोई बड़ा डिसीजन ना ले। किसी से अपने दिल की बात कहने की कोशिश ना करें। फैसला आपके फेवर में नहीं होगा। लव जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलने से परेशान हो सकते हैं। करियर स्थायी संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी ना करें। बिजनेस में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है। हेल्थ, सिर और बदन दर्द से परेशानी हो सकती है। सेहत को लेकर भी सावधान रहना होगा। कुंभ पॉजिटिव, महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं। भाइयों से मदद और फायदा मिल सकता है। रुका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना बन रही है। चंद्रमा आपकी राशि से तीसरी राशि में रहेगा तो काम पूरे हो सकते हैं। नए मौके, नए लोग और विचार आपके सामने आ सकते हैं। उन्हें खुले मन से स्वीकार करते जाएं। आज आप ज्यादातर मामलों में भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई साफ फैसला भी आपको करना पड़ सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के कुछ नए मौके मिलने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन और रिश्तों की कोई समस्या भी आज सुलझ सकती है। दोस्तों या प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। दिन सकारात्मक हो सकता है। नेगेटिव, जल्दबाजी, हड़बड़ी या नादानी के कारण कोई काम बिगड़ भी सकता है। चोट भी लग सकती है। आपको कुछ दोस्तों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। पुरानी बातों से खुद को डिस्टर्ब होने से बचाएं। मन में उथल पुथल भी हो सकती है। सावधान रहे, कम बोलना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें, नाभि पर घी लगाएं। लव पार्टनर के साथ समय बीतेगा, प्रेम और सहयोग मिलेगा। करियर कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से भी सहयोग नहीं मिल पाएगा। खुद के दम पर काम निपटा ले। वाणी पर संयम रखें। विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। हेल्थ, सेहत के मामले में दिन अच्छा हो सकता है। पुराने रोग खत्म होने के योग बन रहे हैं। मीन पॉजिटिव, दोस्त, प्रेमी, रिश्तेदार, जमीन जायदाद की कोई उलझन, नौकरी की खोज और कानूनी मामलों में दिन निकल सकता है। योजना बनाने और फैसले लेने का दिन है। हल करें। आपको स्थिति पहले से बेहतर बनाने का भी मौका मिल सकता है। सिर्फ जरूरी काम पर ध्यान दें और बाकी काम अपने सामने से हटा दें। कई जगह आपकी तारीफ हो सकती है। रिश्तेदारी की कोई पुरानी समस्या सुलझ सकती है। खुद को थोड़ा लचीला बनाने की कोशिश करें। आपको किसी तरह का समझौता भी करना पड़ सकता है। पुराना पैसा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क हो सकता है। करियर में आपको नई संभावनाएं मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में उन्नति के भी योग बन रहे हैं। नेगेटिव, कामकाज के लिहाज से दिन उतना सपाट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कुछ गलत बात बोलकर अपने बने बनाए काम भी आप बिगाड़ सकते हैं। सावधान रहे, फालतू गुस्सा बढ़ सकता है जिसका असर आपके लिए भी ठीक नहीं है। क्या करें, नीम का दातून करें या पत्ते चबाएं। लव, आपका पार्टनर ज्यादा ही संवेदनशील हो सकता है। सोच समझ कर बोले। प्रेम संबंधों में आपकी सकारात्मकता बढ़ सकती है। करियर कामकाज की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। जायदाद संबंधी समस्या का समाधान भी होने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। हेल्थ, सेहत के मामले में समय अच्छा हो सकता है। थकान दूर हो सकती है।